नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है खबरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल है। वसीला उर्दू टीवी, खबरें मुलाहजा। आलमी इदारे सेहत WHO की तकनीकी कमेटी ने हंगामी इस्तेमाल के लिए हिंदुस्तान की मुकामी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की सिफारिश की है, जिसके बाद WHO ने वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुध को WHO की टेक्निकल कमेटी के इजलास में किया गया है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते WHO ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से इजाफी मालूमात मांगी थी। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाए हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त एक आज़ाद मशावरती ग्रुप है, जो कि सिफारिशात फराहम करता है कि आया वैक्सीन हंगामी इस्तेमाल के लिए दर्ज की जा सकती है या नहीं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को WHO को अपनी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी। WHO ने कहा है कि दुनिया भर के रेगुलेटरी माहरीन पर मुश्तमिल एक तकनीकी मशावरती ग्रुप ने इस बात का तय्यून किया है कि ये वैक्सीन कोविड से तहफ्फुज़ के लिए आलमी इदारे सेहत के मेयारात पर पूरा उतरती है। वैक्सीन के फवायद खतरात से कहीं ज्यादा हैं और वैक्सीन को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वक्त हामिला खवातीन की वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के हवाले से डेटा नाकाफी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बुध को कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को तैयारी की तारीख से बढ़ाकर 12 माह कर दिया है। भारत बायोटेक ने ट्वीट किया, CDSCO ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फिट होने की मुद्दत को तैयारी की तारीख से 12 माह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। श्रीनगर शारजा फ्लाइट से पाकिस्तान को एतराज, अपने एयर स्पेस से उड़ने पर लगाई रोक। पाकिस्तान एक बार फिर से हिंदुस्तान के लिए बुरा पड़ोसी साबित हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मुत्तहदा अरब अमारात के शारजा तक फ्लाइट के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब श्रीनगर से उड़ने वाले तैयारों को उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान होते हुए शारजा जाना होगा, जो कि न सिर्फ ज्यादा वक्त लगेगा बल्कि इसके लिए मुसाफिरों को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने अक्टूबर में शुरू हुई श्रीनगर शारजा तैयारा खिदमत के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से अब श्रीनगर से शारजा के लिए जाने वाले तैयारे को एक घंटे का इजाफी वक्त लगेगा, साथ ही इसका किराया भी बढ़ जाएगा। अजीत पवार की 1,000 करोड़ की इमलाक खर्च, इनकम टैक्स बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करा सकती है। मरकजी जांच एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट DA के जरिए जल्द ही महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के खिलाफ इनकम टैक्स के जरिए बेनामी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को बुनियाद बनाते हुए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज कर सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सीनियर जराये के मुताबिक जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रस्मी तौर पर खत भेजकर इसके जरिए की गई कार्रवाई से मुतालका तमाम दस्तावेज और सबूतों के बारे में जानकारी तलब की जाएगी। इसके बाद तमाम दस्तावेजात और सबूतों की बुनियाद पर आगे की तफ्तीश और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजीत पवार की तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की ऐसी जायदाद को सीज किया है। इसका कनेक्शन सीधे तौर पर अजीत पवार से है। इनकम टैक्स के जराये के मुताबिक एक कार्रवाई महकमे ने बेनामी एक्ट के तहत की है, यानी इनकम टैक्स महकमे की इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मिले कई सबूतों और दस्तावेज की बुनियाद पर बनी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई थी कि गलत तरीके यानी गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए पैसों से कई बेनामी जायदाद में सरमायाकारी की गई है। इसी वजह से इस जायदाद को फिलहाल सीज कर लिया गया है।
मकतूब रियाज मिंग जानिब केन वासिफ सऊदी अरब गैर मुल्की बाशिंदों की जानिब से तरसील जर में इजाफा जहां खुश आइन बात है वही ये ममलिकत के आम इक्तसादी हालात के मुस्तहकम होने का सबूत भी है। सऊदी अरब में साल रवां 2021 के इब्तदाई 9 माह के दौरान तारिकीन की तरसील जर में 2020 के इब्तदाई 9 माह के मुकाबले में 6% इजाफा हुआ है। मुकीम गैर मुल्कियों ने साल रवां के इब्तदाई 9 माह के दौरान 116.3 अरब रियाल भिजवाए हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के जारी करदा अदाद और शुमार के हवाले से बताया के तारिकीन ने सितंबर 2021 के दौरान 13.35 अरब रियाल भिजवाए जो सितंबर 2020 के मुकाबले में 1% ज्यादा है। अगस्त 2021 के मुकाबले में सितंबर 2021 के दौरान तरसील जर में 3% कमी रिकॉर्ड की गई है। तारिकीन ने 388 मिलियन रियाल कम भिजवाए हैं। दूसरी जानिब मुकामी शहरियों ने साले रवां के इब्तदाई 9 माह के दौरान 47 अरब रियाल बाहर भिजवाए। ये रकम 2020 के इब्तदाई 9 माह के मुकाबले में 36% ज्यादा है। यहाँ के आम इक्तसादी हालात के बेहतर होने का एक और सबूत यह है कि सऊदी अरब में सारिफिन ने 29 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में तिजारती मराकज से 29% ज्यादा खरीदारी की है। 10.34 अरब रियाल खर्च किए गए हैं। सारिफिन ने इससे पहले हफ्ते के दौरान 8.02 अरब रियाल खर्च किए थे। दोनों हफ्तों के दरमियान 2.3 अरब रियाल का फर्क रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन इक्तसाद ने सऊदी सेंट्रल शहरों के हवाले से रियाज 25.3% से सबसे ऊपर रहा जहां शहरियों ने 3.17 अरब रियाल खर्च किए। ये तिजारती मरकज में खरीदारी पर होने वाले अखराजात का 30.7% है। जद्दा में 1.53 अरब रियाल खर्च किए गए, तनासुब 14.8% रहा है। दम्माम में एक हफ्ते में 548.9 मिलियन रियाल खर्च किए गए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में उमरान मुबारक को समाप्त फरमाइएगा। लोग कैसे हैं जो अपनों को सजा देते हैं। लोग कैसे हैं जो अपनों को सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। लोग कैसे हैं जो अपनों को सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। वो शिकायत तो भला हमसे कहो तुम कोई, वो शिकायत तो भला हमसे कहो तुम कोई, लोग हर बात को यूं ही तो हवा देते हैं। लोग हर बात को यूं ही तो हवा देते हैं। धूम से जश्न मनाते हैं फतेह का सभी, धूम से जश्न मनाते हैं फतेह का सभी, मरने वालों को तो अक्सर ही भुला, मरने वालों को तो अक्सर ही भुला देते हैं। बातें हैं सभी गरज की ये वो रिश्ते ना, बातें हैं सब ही गरज की ये वो रिश्ते नाते, आज अपनों को तो अपने ही दगा देते हैं। आज अपनों को तो अपने ही दगा देते हैं। बहुत अच्छे, गीत क्या गाऊं खुशी के यूं तेरी महफिल में, गीत क्या गाऊं खुशी के यूं तेरी महफिल में, हम तो टूटे हुए तारों पे सदा देते हैं। हम तो टूटे हुए तारों पे सदा देते हैं। लगता है तेरे आशार है उमरान हकीकत से भरे, तेरे आशार है उमरान हकीकत से भरे, पल में झूठे को वो सच्चाई दिखा देते हैं।